हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन दिस चैनल। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 8.1 का सेकंड क्वेश्चन, क्लास टेंथ की एक्सरसाइज 8.1 का सेकंड क्वेश्चन। यहाँ पे हमारे पास क्या गिवन है, इन गिवन फिगर, कोई फिगर गिवन है। यहाँ पे उन्होंने दे दिया पी क्यू 12 एंड पी आर 13। हमें क्या निकालना है, फाइंड आउट टेंजेंट पी और एंड कोट आर। टेंजेंट पी एंड कोट आर क्या आएगा, हमें ये निकालना है। ओके, सबसे पहले हमें पता ही है, अगर हमारे पास कोई ट्रायंगल गिवन है, हमें उसकी थर्ड साइज पहले सबसे पहले वही निकालनी है। अब वही हम क्या यूज़ करेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम हम क्या करेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम थर्ड साइड निकाल लेंगे। हमारे पास क्या है, हमें पता है पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू किसके आना है, क्यू आर का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर। हमें निकालना क्या है, क्यू आर, हम क्यू आर ले लेते हैं इज इक्वल टू पी आर का स्क्वायर माइनस, ये उधर चला जाएगा पी क्यू का स्क्वायर, और ये जो इसका स्क्वायर था वो अंडर रूट में आ गया, इतना है। उसके बाद जो भी वैल्यू है हम वो पुट कर देते हैं। पी आर कितना है 13 का स्क्वायर, पी क्यू कितना है 12 का स्क्वायर अंडर रूट। 13 का स्क्वायर हमें पता है 169 होता है और इसका 144, दोनों को माइनस किया कितना आई वैल्यू, अंडर रूट 25 विच इज़ इक्वल टू 5। मीन्स हमें पता लग चुका है क्यू कितना है यहाँ पे 5। अब जो इन्होंने कहा है हम वो निकालेंगे। हमें पता है टेंजेंट पी निकालना है। अगर हम टेंजेंट की बात करें, टेंजेंट किसके इक्वल होता है, टेंजेंट होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। अब हम इस एंगल की रिस्पेक्ट में देखेंगे क्या हमारे पास परपेंडिकुलर बन रहा है। ओके, एंगल पी हमें पता है जो भी एक्यूट एंगल है उसके अपोजिट में जो भी जाएगा वो हमारे पास क्या बनता है, परपेंडिकुलर। वहाँ से हमारे पास परपेंडिकुलर कितना आया है 5। अब क्या करेंगे, बेस क्या आएगा, जो हमारे पास ये वाली साइड क्या, जो राइट एंगल के सामने बिल्कुल अपोजिट बनती है वो क्या बनती है, हमारा हाइपोन्यूज। अब हम यहाँ पे बेस हमारा क्या बनेगा, पी की रिस्पेक्ट में 12। ओके, एंड ऐसे ही हम क्या निकालेंगे, कोट आर। अब आर की रिस्पेक्ट में सबसे पहले कोट किसके इक्वल होता है वो देखो, कोट किसके इक्वल होता है, डेट वॉज बी पी बेस बाय परपेंडिकुलर। टेंजेंट का उल्टा होता है ना, टेंजेंट का उल्टा होता है, टेंजेंट को रिवर्स कर दो, पी बाय बी वो कितना होगा, बी बाय पी। अब आर ये है हमारे पास, आर के रिस्पेक्ट में बे परपेंडिकुलर लाइन क्या बन रही है, पी क्यू, और बेस क्या बन रहा है, क्यू आर। बेस हमारे पास क्या आ रहा है यहाँ से 5, और परपेंडिकुलर क्या आ रहा है 12। हमें निकालना क्या है, टेंजेंट पी माइनस कोट आर विच इज़ इक्वल टू, अब इनकी वैल्यू पुट कर दो, हमारे पास वैल्यू कितनी है, कोट टेंजेंट पी की 5/12, ऐसे ही कोट आर की वो कितनी है 5/12। 5/12 इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज टेंजेंट पी माइनस कोट आर इज इक्वल टू 0। एक बार देख लेते हैं क्या किया है, हमारे पास क्या गिवन था, एक फिगर गिवन थी उसमें एक साइड मिसिंग थी। सबसे पहले जो भी साइड मिसिंग है हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके वो साइड निकाल लेंगे, या हमने वही किया वो साइड निकाल लें। उसके बाद इन्होंने कहा है टेंजेंट पी माइनस कोट आर। अब टेंजेंट पी और कोट आर निकालना है, सबसे पहले हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। टेंजेंट पी, अब पी की रिस्पेक्ट में हमें पता है, पहले तो देखेंगे टेंजेंट किसके इक्वल होता है, वो किसके इक्वल है, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस। अब किसकी रिस्पेक्ट में है, पी की। अब पी की रिस्पेक्ट में देखेंगे क्या परपेंडिकुलर है और क्या बेस। पी की रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर कितना आ रहा है 5, और बेस कितना आ रहा है 12। ऐसे ही कोट आर, कोट किसके इक्वल होता है पहले वो देखेंगे, बेस बाय परपेंडिकुलर जो कि टेंजेंट का उल्टा होता है, ठीक है, कोट बेस बाय परपेंडिकुलर। अब इसकी रिस्पेक्ट में हमारे पास बेस क्या बन रहा है, इसकी रिस्पेक्ट में हमारे पास बेस क्या बन रहा है 5, और परपेंडिकुलर क्या बन रहा है 12। उसकी वैल्यू पुट कर दी, जो हमसे पूछा गया था वहाँ पे जाके उसकी वैल्यू पुट कर दी, वो हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, आज के लिए इतने। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, बाय।